आज मांग संख्या 52 पंचायत राज और 53 ग्रामीण विकास पर चर्चा की जा रही है और दोनों महत्वपूर्ण मांगे हैं और आपका संरक्षण भी चाहूंगा, आप थोड़ा सा समय दें। गांव और गांव की सरकार के बारे में चर्चा करेंगे, एक आदर्श गांव कैसा होना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी झलक बता रहा हूँ। गाँव के अंदर पक्की सड़कें हों, गाँव तक जाने की सड़कें हों, सीसी सड़कें हों, मोहल्ले में नालियाँ हों, सफाई की व्यवस्था हो, रोशनी हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार के साधन हो, आवागमन के लिए बसें हो, कृषि सिंचाई के साधन हो और दिन में बिजली मिले काश्तकारों को, और जब गांव से और खेत से जब महिलाएं आए तो रात के अंदर भी 24 घंटे बिजली मिले, ऐसी व्यवस्था होगी तो सारा काम ठीक होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभापति महोदय महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी और राम राज्य की स्थापना के लिए काम करने की एक सोच उन्होंने रखी। इसी के तहत तत्कालीन सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज की स्थापना की गई थी, यानी गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए, गांव का डेवलपमेंट गांव के लोगों के चुने हुए उनके हाथ में हो। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि जिस समय हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत, जिस समय मैं 1993 में जीत करके आया था और 95 के अंदर उन्होंने पंचायत राज संशोधन किया था, उस संशोधन के आधार पर उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, भैरव सिंह जी शेखावत को, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने गाँव के SC और ST, OBC और महिला वर्ग को राजनीतिक चेतना डालने का काम किसी ने किया, उनका नाम भैरव सिंह जी शेखावत है। और आपकी सरकार ने तो SC और ST को, OBC और महिला को कभी भी सरपंच बनने का मौका नहीं दिया, वार्ड पंच बनने का मौका नहीं दिया, प्रधान और जिला प्रमुख बनने का मौका नहीं दिया, लेकिन शेखावत साहब ने उनको ये मौका देकर के उनको राजनीतिक चेतना ला करके एक जन जागरण का काम किया। उनको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया। आपने सिर्फ और सिर्फ SC ST को गुमराह करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। मैं कुछ मेरे क्षेत्र की मांगे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से पहले गांव के अंदर ग्राम न्यायालय हुआ करते थे, मंत्री जी आपसे विशेष चाहूँगा, आज कोर्टों के अंदर जितने भी केस हैं छोटे छोटे, पहले ग्राम न्यायालय हुआ करते थे, और जब छोटे थे तब देखते थे कि एक व्यक्ति के गले के अंदर वो लगा हुआ था चपड़ास, और उस प्रकार से वो आवाज़ लगाता था कोर्ट में, जिस प्रकार से आवाज़ लगती है, और गांव के अंदर सरपंच वो एक न्याय करता था। ऐसी न्यायपालिका, ग्राम न्यायपालिका आप चालू करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे क्षेत्र की एक समस्या बड़ी कि गांव के बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, सभापति महोदय, गाँव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं और उनको पुलिस बड़ी तंग करती है। गाँव के अंदर जाएगी पुलिस, उनको तंग करेगी और तंग में चौकी लगा देगी और डिवाइडर खड़े कर देगी, और वो कहेंगे भाई तुम्हारे हेलमेट नहीं है, मोटरसाइकिल वालों को कहेंगे हेलमेट नहीं है, 1000 रुपये का चालान, 1000 रुपये में तो हेलमेट आ जाएगी, फोर व्हीलर वालों को कहेंगे तुम्हारे सीट बेल्ट नहीं है, कोई व्यक्ति खेत पर जा रहा है रात को जब बिजली आ गई तो खेत में जाना पड़ेगा तो उनको भी कहेंगे तुम खेत में कहाँ जा रहे हो, बाहर कुछ निकले हो घर से, तो ऐसी समस्या बराबर बनी रहती है। मेरे क्षेत्र में बजरी का भी अवैध खनन होता है और बार बार सड़कें बनी जाती है, सीसी सड़कें बनती है गाँव में, और बार बार उनको सड़कों को तोड़ने का काम ये खनन माफिया करते हैं। जिस समय ठेकारी होता है उस समय तो पुलिस कोई ध्यान नहीं देती, जैसे ही ठेकेदार आता है और पुलिस और प्रशासन मिलकर के गांव वालों को डराते हैं, धमकाते हैं और उन सड़कों के ऊपर ओवर लोड वाहन निकालने का काम करते हैं। मेरा एक निवेदन, एक बात लास्ट और कहूँगा, मेरा इतना ही निवेदन है कि हम सब मिलकर के, धन्यवाद सभापति महोदय, गाँव के विकास के लिए विधायक राशि जो अभी पूरी नहीं दी गई है उस विधायक राशि को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए और गांव के विकास के लिए हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करेंगे तो सारा काम ठीक रहेगा। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।